देखो ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग जेड कंजुगेट इज इक्वल टू वाई टाइम्स जेड स्क्वायर। देखो इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व किया। हम इसे देखो पोलर कोऑर्डिनेट में, जो आपको जेड इज इक्वल टू आर टाइम्स ई टू दी आई थीटा करके सॉल्व करके दिखाते हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करने का मकसद ही होता है आप अप्रोच सीखें, ठीक है। जितना ज्यादा अप्रोच, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, उतना ही आपकी फाउंडेशन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो जेड आर इंटू ई टू दी आई थीटा हुआ, तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, आर इंटू ई टू दी माइनस आई थीटा। आई को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी आई पाई बाई टू, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, तो आर इंटू ई माइनस आई थीटा इज इक्वल टू ई टू दी आई पाई बाई टू टाइम्स जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा और एंगल ऐड हो जाएगा, तो ई टू दी आई टू थीटा। अब आप देखो आर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेकर आ जाए, ई टू दी आई थीटा इधर बन जाएगा, तो ई टू दी आई पाई बाई टू प्लस 3 थीटा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसे क्या करते हैं, वन इज इक्वल टू आर ई टू दी आई पाई बाई टू प्लस 3 थीटा। अब इसे ऐसे ट्रीट करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एलएचएस में है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आरएचएस में है। एलएचएस का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। अब आप देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है 1, ठीक है। तो 1 कब होगा, जब इसका एंगल चाहे तो 0 लें या 360 लें। एक बार 0 लेते हैं तो ये 0 हो बनना होगा भाई, दोनों बराबर कह रहे हैं, तो एक तो यहां से क्या कंक्लूड कर लिए, आर इज इक्वल टू 1, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1। अगर यही नॉन जीरो नहीं लिखा रहता तो आप देखो यहां से आर एक फैक्टर आउट करते तो आर निकल जाता, तो आर इज इक्वल टू 0 होता, तो वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर एक मिल जाता कि जेड इज इक्वल टू 0, लेकिन नॉन जीरो कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान देना। तो आर इज इक्वल टू 1 तो यहां से लिख सकते, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के बराबर और एंगल एंगल के बराबर। तो पहला एंगल लिखा है पाई बाई टू प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 0। पहला बात तो 1 0 डिग्री पर मिलेगा, तो ठीक है, थीटा को पाई बाई टू 90 है, तो 90 डिग्री है, तो यहां से लिखिए थीटा इज इक्वल टू -90/3 इज इक्वल टू -30 डिग्री। एक एंगल आपके पास ये आ गया। दूसरा एंगल निकालते हैं, दूसरा कब मिलेगा, 360 डिग्री पर, तो 90 प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 270/3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तीसरा कब मिलेगा, 90 डिग्री प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू, एक बार 0 पर मिला, एक बार 360 पर मिला, फिर हो सकता है एक बार दो बार 360 माने 720 पर, 720 डिग्री पर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 630/3 इज इक्वल टू 210 डिग्री, ठीक है। फिर 90 डिग्री प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू, एक बार 360, एक बार 0, एक बार 360, एक बार 720, एक बार हो सकता है 1080, 3 बार हम 360 करें, तो 1080 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 990/3 इज इक्वल टू 330। अब आप देखो एक 330 डिग्री और एक -30 कोई फर्क है, नहीं भाई। -30 का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, रेफरेंस एक्सिस है, ये है -30, अब +330 का मतलब ऐसे घूम के आ जाओ, ये वही एंगल पर आ गए, ठीक है। तो ये यहां से अब रिपीटिशन आ रहा है, तो 3 डिस्टिंक्ट थीटा मिला, ठीक है। तो जेड आपको कौन कौन सा मिल गया, एक तो आप लिख लो जेड का मैग्नीट्यूड कितना है यार, 1, तो 1 ई टू दी माइनस आई पाई बाई 6। फिर एक क्या मिला, मैग्नीट्यूड 1 ई टू दी आई पाई बाई 2। फिर क्या मिला, मैग्नीट्यूड 1 ई टू दी आई 7π/6, हाँ 7π/6, 210 को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये आपको 3 वैल्यूज मिले, ठीक है, आप इसे रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे आपको हमने सॉल्व करना बताया।